है, ड्योराघाट खास है। नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बीजापुर की खबर के साथ, जहां बारिश के कारण बीजापुर का जगदलपुर से संपर्क टूट चुका है। बीजापुर से जगदलपुर जा रही गाड़ियां जांगला नाले के पास फंसी हुई हैं और जल भराव के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। कई घंटे लोग फंसे हुए हैं, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बारिश के कारण जो है संपर्क टूट चुका है, कई गांव और शहरों के बीच का जो संपर्क है वो टूट चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जगदलपुर से संपर्क टूट गया है। बीजापुर से जगदलपुर जा रही गाड़ियां जांगला नाले के पास फंसी हुई हैं। जल भराव के कारण यात्रियों को दिक्कत हो रही है और ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर तो नहीं जा सकते, इसलिए यहां पर कई घंटों से लोग फंसे हुए हैं। लोगों के फंसने की सबसे बड़ी वजह ये कि जो नाले हैं वो उफान पर हैं और नालों के उफान पर होने की वजह से इधर से उधर नहीं जा पा रहे लोग, एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं जाने की वजह से परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। बीजापुर का जगदलपुर से संपर्क टूट चुका है। दिनेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, बीजापुर और जगदलपुर का संपर्क आपस में टूट चुका है, इसकी सबसे बड़ी वजह है बारिश। बारिश से जलस्तर नालों का, नदियों का बढ़ जाता है। अभी फिलहाल कैसी स्थिति है वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही मूसलाधार हो रही बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग बीजापुर से जो जगदलपुर संभाग का जो संपर्क है वो टूट चुका है और वहाँ बहुत ही ज्यादा पानी भरा हुआ है और इस जल भराव के कारण बीजापुर से लोग जगदलपुर की ओर नहीं आ पा रहे और जगदलपुर से जो बीजापुर की ओर जा रहे हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जल भराव के कारण यह जो नजारा है देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ आम जनता के साथ यहां पर एम्बुलेंस और कुछ मरीज भी फंसे हुए हैं। इस तरह से जो बारिश का ये पहला साल है जो इस तरह से जांगला नाले के पास में जल भरा हुआ है, जिसके कारण पूरा जाम की स्थिति बनी हुई है। और रोजाना की बात करें तो रोजाना यहाँ से सैकड़ों गाड़ियाँ निकलती है, इस जलभराव के कारण वो आज वो बाधित हो गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। लोग यहाँ से वहाँ नहीं जा पा रहे हैं और जो मरीज है वो मरीज भी फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल, और ये बहुत दुख की बात है कि इस तरह के मौसम में जब व्यवस्थाओं का अभाव होता है तो आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गरियाबंद की, जहां उफनती नदी में ट्रैक्टर फंस चुका है। ड्राइवर और किसान ने मुश्किल से अपनी जान बचाई है। मैनपुर के धोबन डीह नाले में ट्रैक्टर फंसा था और सोंढूर नदी में बाढ़ आने से दोनों फंसे हैं। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया है। उफनती नदी में ट्रैक्टर के फंसने की खबर, सोंढूर नदी में बाढ़ आने से दोनों ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि नदी के बीच ट्रैक्टर के फंसने की तस्वीर आई है। उफनती नदी में ट्रैक्टर फंसा, गनीमत ये रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। सोंढूर नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। और अब बात कांकेर की करेंगे, जहां नदी के तेज बहाव में पति पत्नी फंस गए हैं। खेत से काम करके वापस घर लौट रहे थे, नदी का जलस्तर बढ़ने से पति और पत्नी फंस गए। प्रशासन ने रेस्क्यू कर दंपत्ति को बचाया है। करीब 5 घंटे तक पानी में ही वो फंसे रहे, जिन्हें प्रशासन ने बचाया है कड़ी मशक्कत के बाद। कांकेर की एक खबर, मौके पर मंत्री नेता पहुंच गए। कांकेर में नदी के तेज बहाव में पति पत्नी फंस गए, काम करके वो खेत से घर लौट रहे थे और इस बीच फंस गए। और अब बात पिंडरा की करेंगे, जहां गोरेला से अमरकंटक जाने वाले रास्ते से लोगों का आना जाना बंद हो गया है। पहाड़ी इलाके में भारी बारिश और तेज बहाव के चलते सड़क का एक हिस्सा बह चुका है। ज्वालेश्वर मार्ग से अमरकंटक जाने वाले लोग अब वापस लौट रहे हैं। मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उसी रास्ते की जो कि अमरकंटक की ओर जाता है। अमरकंटक जाने वाले रास्ते से लोग अब वापस लौट रहे हैं।
आना जाना लोगों का बंद हो चुका है। पहाड़ी इलाके में भारी बारिश और तेज बहाव के चलते सड़क का एक हिस्सा बह गया। ज्वालेश्वर मार्ग से अमरकंटक जाने वाले लोग भी वापस आ रहे हैं। मौसम विभाग ने फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया है। बस्तर में स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। जिन बच्चों को अच्छी तालीम मिलनी चाहिए उन बच्चों को मिल रहा है प्लांट से निकलने वाला डस्ट और प्रदूषण। बस्तर के उम्मीदों का कारखाना कहे जाने वाले एनएमडीसी प्लांट से लगे हाई स्कूल के 400 बच्चे कई सालों से परेशान हैं। प्लांट से निकलने वाला डस्ट और बदबूदार हवा बच्चों को बीमार और खोखला बना रही है। क्लास में बच्चों को अपना मुंह ढककर बैठना पड़ता है। कई बार शिकायत के बाद भी प्लांट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। जगदलपुर विधायक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांस लेने में प्रॉब्लम होता है गन बदबू के वजह से और पढ़ाई में भी दिक्कत होती है आवाज की वजह से। जी कुछ लोग बीमार भी हुए हैं। जी अगर मैम लोग पढ़ाते तो बच्चे लोग का अच्छा सुनने नहीं देता है और सिर दर्द करता है। सिर दर्द से फिर पढ़ाई में प्रॉब्लम होता है। सांस लेने में भी प्रॉब्लम होता है। लगातार डस्ट जो है प्रदूषण के रूप में फैल रहा है। जैसा खाला पानी का तो समस्या चल ही रहा है। ये जो डस्ट में है ना कई प्रकार का मतलब एक चमकीला धातु है वो किसी का हाक में मतलब कहीं पर भी घुस रहा है ना और फिर बहुत बड़ा मतलब फाइजन हो रहा है उस। निश्चित रूप से एनएमडीसी प्रबंधन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और बात करके इसमें कोई कारगर उपाय निश्चित रूप से बनाएंगे। किसी भी सूरत में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना है। इसके लिए जो अच्छा होगा बात करने से पता चलेगा कि वो उस स्तर का परिवर्तन करना है तो उसमें कैसे, क्योंकि बहुत पुराना स्कूल है, काफ़ी समय से चल रहा है वो स्कूल, तो जो अच्छा हो सकता है बेहतर हो सकता है और निश्चित रूप से वो कदम उठाएंगे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो शिक्षक है। सर डस्ट को लेकर क्या क्या दिक्कत आती है? एक तो सर लंग्स में प्रॉब्लम होती है, सर्दी खांसी तो बनी रहती है और आँखों का भी, जैसे वाइट डस्ट होता है बाहर से गिरता है बारिश की बूंदों जैसा गिरता है वो, तो आँख की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। ध्वनि प्रदूषण तो है ही है, बहुत पहले से फेस कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो बच्चों की सुनने में भी दिक्कत होती है, उनको बहुत जोर से बोलना पड़ता है, उन लोगों को पढ़ाते थे पढ़ाई भी प्रभाव, उससे फर्क तो पड़ता है सर। कुछ बच्चे बीमार भी हुए क्या? बीमार हुए हैं ना, कुछ बच्चे पिछले बार बीमार हुए थे, है ना, और हम लोग उनको हिदायत देते हैं सांस लेने में वो मास्क लगाओ बोल के, चश्मा लगाओ बोल के, आँखों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा ये डस्ट जो है। शारीरिक परेशानी तो बहुत ज्यादा हो रही है, बच्चों का भी स्वास्थ्य स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है ना। मैडम भी बीमार हो चुकी है। जी हमारी प्रिंसिपल मैडम की तबीयत खराब हुई, उनको लंग्स इन्फेक्शन हो गया है तो उनका इलाज विशाखापट्टनम से चल रहा है। तो क्या कारण यही है, डस्ट है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैडम यहाँ आसपास के और गाँव में जाती है ना विजिट में, प्राइमरी मिडिल स्कूल उपनपाल भेजा पदर करणपुर, तो वो मैडम का काम थोड़ा सा ना बाहर बाहर का ज्यादा रहता है। आप लोगों को कब से तो दिक्कत आ रही है? जी ये पिछले साल से ही दिक्कत आ रही है। स्मेल, हाँ स्मेल एक है सर, बहुत गंदी बदबू आती है और ये जो वाइट वाली डस्ट है ये, और फिर शोर तो है, ध्वनि तो है ही बहुत ज्यादा, तो पिछले साल से ही परेशानी आ रही है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा स्कूल कहीं और स्थापित हो जाए। कि साला जो प्रबंधन है, शिक्षा विभाग है, जिला प्रशासन है, एनएमडीसी प्रबंधन है, इन मांगों को कितना गौर करता है ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 बस्तर। श्रीनिवास नायडू संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास, अक्सर यहाँ पर बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप भी वहां पर पहुंचे, आपने भी वहां का हाल जाना, अब वहां पर क्या बदलाव नजर आ रहा है? गंभीर है क्योंकि 400 बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। एनएमडीसी जो प्लांट है इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया और एनएमडीसी प्लांट के नजदीक ही एक हाई स्कूल जो स्कूल संचालित है, 9वीं से 12वीं की कक्षाएं लगती है और जो बच्चे आते हैं सुबह 11 बजे वो उसके बाद शाम को जब जाते हैं तो पूरे शरीर में डस्ट रहता है, उनके आंखों में जलन होती है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। इस मामले को लेकर कई बार वहां के जो शिक्षक है, बच्चे हैं, वहां के जो जनप्रतिनिधि इलाके के, इन्होंने कई बार शिक्षा विभाग तक बात पहुंचाई लेकिन इस मामले में अभी
तक कोई पहल नहीं की गई, क्योंकि एनएमडीसी प्रबंधन इस मामले को लेकर गंभीर दिख नहीं रहा है। अब ये देखना होगा जब ये न्यूज 18 के माध्यम से क्षेत्रीय विधायक है, जो जगदलपुर विधायक है, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव तक बात पहुंची है, अब मामले में कितना गंभीरता लाया जाएगा और जो स्कूल जो संचालित है या उस स्कूल को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा या फिर जो प्लांट पर कार्रवाई की जाएगी, अब ये देखने वाली बात है। क्योंकि यहाँ के बच्चे बीते साल से प्रभावित हो रहे हैं और लगातार उनको जो गले में दिक्कत आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मुंह में कपड़ा बांध करके परीक्षा स्कूल में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो मामला काफी गंभीर हो जाता है। अब इस देखना होगा इस मामले में जिला प्रशासन, एनएमडीसी प्रबंधन और जो इलाके के जनप्रतिनिधि वो क्या रुख अख्तियार करते हैं। जी बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल जो है ध्यान देने की जरूरत है ताकि बच्चों की समस्याएं जल्द से जल्द दूर हों। आगे बढ़ेंगे और बात बिलासपुर की करेंगे, जहां डायरिया के बाद मलेरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कोटा क्षेत्र के सामने आए मलेरिया के केसेस, टाटी धार गांव में मलेरिया के 4 मरीज मिले हैं और 1 मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर मरीज को सिम्स रेफर किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर जांच कर रही है। मलेरिया, डेंगू, डायरिया जैसी बीमारियां जो हैं इन दिनों बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। बरसाती मौसम में इस तरह के बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं और इनसे बचने की आवश्यकता है। डेंगू मलेरिया मच्छरों की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और ऐसे में डायरिया दूषित पानी पीने की वजह से होते हैं। इसलिए बरसाती मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो साफ पानी है घर के आसपास से लेकर जिस पानी का सेवन किया जाता है उस पर ध्यान दिया जाए। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, लगातार अस्पतालों में मलेरिया और डायरिया जैसे केसेस अब सामने आ रहे हैं, कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, अभी बिलासपुर जिले में बीते 15-20 दिनों से डायरिया का प्रकोप देखा ही जा रहा था कि इस बीच मलेरिया के जो मरीज हैं वो मिलने शुरू हो गए और ये मरीज वहाँ से मिल रहे हैं जिस जो पिछले वर्ष भी इस कोटा क्षेत्र के टाटी धार से मिले थे। एक बार फिर से 4 मरीज मिले हैं, एक गंभीर हालत में सिम्स में एडमिट है, वहीं डायरिया के लगातार मरीज मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिले में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। बारिश से पूर्व जो मेंटेनेंस और जो तमाम सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की जो बात कही जाती है उसकी पूरी तरीके से पोल खुलकर रख दी गई है। इसके साथ ही जल जलित जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं अब लोगों को प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। डायरिया के लगभग 300 मरीज हैं जिनका उपचार अलग अलग उपचार अस्पतालों में चल रहा है। 35 जो है मरीज वो एडमिट हैं, बाकी लोगों को कैंप लगाकर दवा वितरण किया जा रहा है। इस बीच अब देखा जा रहा है कि मलेरिया के 4 मरीज सामने आ गए हैं, उनको भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है, कैंप लगाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम पूरी तरीके से इस पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखें तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। जब भी डायरिया के मरीज मिलते हैं या मलेरिया के मरीज मिलते हैं तो वहां पर स्वास्थ्य विभाग जो है कैंप लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है। लेकिन क्या बारिश से पूर्व इन जहां जहां ये प्रभावित जो इलाके हैं जो जिसे पहले से आइडेंटिफाई किया जाता है, क्या वहां ये पर ये व्यवस्था की जाती है कि आखिर क्यों ये डायरिया का प्रकोप फैल रहा है, मलेरिया क्यों फैल रहा है? इनको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से धरी की धरी रह जाती है और देखा जाता है कि मरीज जो है वो लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग वहां पर कैंप लगाया है, क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं करता है और जो मरीज लगातार सामने आ रहे हैं उनको किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट करके उन्हें व्यवस्थित ढंग से वापस घर तक भेजता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कहें तो डायरिया और मलेरिया के जो पीड़ित मरीज हैं वो लगातार बिलासपुर में देखे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए उमेश। पेंड्रा में बेटे ने मां की हत्या कर दी है। शराब के लिए पैसे जब मां ने नहीं दिए तो उसने मां की पीट पीट कर हत्या कर दी और हत्या का आरोपी बेटा 1 घंटे में गिरफ्तार भी हो गया। शराब के लिए पैसे मांग रहा था मां से, जब मां ने मना किए तो उसने मां की ही हत्या कर दी। कलयुगी जमाना, कलयुगी बेटा जिसने मां की परवाह भी नहीं की और वो मां जिसने उसको पाला पोसा बड़ा किया, शराब के पैसे जब उस मां ने नहीं दिए तो उसने इतना पीटा मां को कि उसने हत्या ही कर दी पीट पीट कर मां की। कोरबा में बड़ा हादसा टला है। पिकअप ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। एम्बुलेंस पुल से नीचे गिरने से बाल बाल बची है। एम्बुलेंस चालक की सूझबूझ से मरीजों की जान बची है। मरीज सहित परिजनों को पुल में गिरने से बचाया गया। अंबिकापुर से रायपुर मरीज को लेकर जा रही थी एम्बुलेंस, पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया है। चालक की सूझबूझ से मरीजों की जान बची है, पुलिस ने पिकअप को जब्त किया है। कोरबा में बड़ा हादसा टला। रायपुर जा रहे थे, पिकअप वाला मार दिया।
अच्छा, इतना राइट साइड मारा है कि सीधे आके चक्के में मार दिया। हाँ, शराब पी के धूर थे, ओवरटेक कर रहे थे क्या? कुछ नहीं, शराब नहीं सर, नहीं सर, चेहरा बता रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है? नहीं सर, एकदम फ्रेश है, पूरा फ्रेश है। 10 साल से शराब नहीं पीता सर। नहीं पीते हो? बलौदाबाजार से खबर, जहां 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया है और आरोपी ने परिवार के 3 लोगों पर हमला किया। जमीन के बंटवारे को लेकर हमला किया, धारदार हथियार से हमला किया। तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है, प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया है। अंबिकापुर में सांप के डसने से 2 लोगों की मौत हो गई है। 7 साल की मासूम की सांप के डसने से मौत हुई। 22 साल के युवक की भी सांप के डसने से मौत हुई और दोनों को इलाज के लिए अंबिकापुर अस्पताल में भर्ती किया गया था। दोनों ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। बलौदाबाजार में कार को आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल उप निरीक्षक की कार को बदमाशों ने आग के हवाले किया है। घर के सामने ही कार खड़ी थी लेकिन उसको आग के हवाले कर दिया। पुलिस कर्मियों ने आग बुझाई किसी तरह से और कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। बिलासपुर से खबर, धान खरीदी केंद्र में करोड़ों की हेराफेरी हुई है। धान खरीदी केंद्र में 1,53,00,000 रुपए की गड़बड़ी हुई। खरीदी प्रभारी और ऑपरेटर के खिलाफ FIR के निर्देश दिए गए हैं। खरीदी केंद्र में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। जांच में 4,950 क्विंटल धान में गड़बड़ी मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई हुई है और ऑपरेटर और खरीदी प्रभारी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। करोड़ों का धान है और करोड़ों के धान का जो गबन है वो किया गया। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या अपडेट? खरीदी केंद्र कोंडाडी का ये पूरा मामला है जिसमें 4,950 क्विंटल जो धान है उससे गड़बड़ी निकलकर सामने है। इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए जो दोषी है उन पर कलेक्टर अवनीश शरण ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दूं कि धान खरीदी केंद्र जो प्रभारी है प्रकाश लहरे और डाटा एंट्री ऑपरेटर योगेश कुमार लहरे, इन पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। कहीं ना कहीं धान खरीदी के दौरान इन लोगों ने अनियमितताएं बरती है और लगभग 4,950 क्विंटल धान की हेराफेरी की है, जिसमें जांच पर ये गड़बड़ी पाया गया और इन पर तत्काल FIR दर्ज करने के निर्देश जो है वो कलेक्टर ने दिए हैं। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए उमेश। कवर्धा में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। शादी का झांसा देकर भगाकर उसे ले गया था। पुलिस ने मध्य प्रदेश के सिवनी से उसे गिरफ्तार कर लिया है। शादी का झांसा दिया उसने और उसे भगाकर लेकर गया। हालांकि पुलिस ने अब मामला जो है दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के सिवनी से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सीएम साय आज दिल्ली के दौरे पर हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम साय के दौरे को लेकर बयान भी सामने आए हैं। दिल्ली में गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने की बात उन्होंने कही है। CGPSC मामले में CBI तेजी से जांच कर रही है, ये PM मोदी का वादा था, ये जांच अब शुरू हो गई है, ये भी उन्होंने कहा। और वहां माननीय मंत्रीगण से मुलाकात करेंगे, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय रेल राज्य मंत्री जी से आज उनका मिलने का समय मिला है तो उनसे मुलाकात करेंगे। हाँ, तो वादा था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी चुनाव प्रचार के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो CBI के द्वारा जो PSC में घोटाले हुए हैं उसकी जाँच होगी और वो जाँच प्रारंभ हो गई। सरगुजा की बात करेंगे, जहां सरगुजा संभाग के 850 राम भक्त अयोध्या जाएंगे और आज अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से ये स्पेशल आस्था ट्रेन रवाना होगी। 20 जुलाई को ट्रेन की वापसी होगी। 850 श्रद्धालु ऐसे हैं जो दर्शन करेंगे रामलला के और ये स्पेशल ट्रेन रवाना की जाएगी अंबिकापुर से, जिसमें कि श्रद्धालु आसानी से, जितने भी राम भक्त हैं वो श्री राम के रामलला के दर्शन कर सकेंगे।
और अब बात करेंगे कोरबा की, जहां हाथियों की दहशत है और कुदुमुरा रेंज में 33 हाथियों का दल पहुंच चुका है। हाथियों ने उत्पात भी मचाया, हाथियों ने गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाया है, ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी भी कर रही है। शुरू देखा तो पैराट है दिखे से। और अब बात करेंगे धमतरी की, जहां हाथी की दहशत है। कुठामुड़ा गंगरेल रोड पर हाथी दिखा है, दंतैल हाथी दिखा है। आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। तो ये दंतैल हाथी को आप देख रहे हैं, जो कि जिसकी वजह से दहशत का माहौल है पूरे गांव में। आसपास के गांव में अलर्ट जारी किया गया है। हाथी का दल ग्रामीण इलाकों की ओर रुक कर रहा है। वन विभाग की टीम भी निगरानी कर रही है। दंतैल हाथी की दहशत पूरे गांव में और लोग डर रहे हैं कि कहीं उन पर ये हाथी हमला ना कर दे। कोरबा के कटघोरा थाना परिसर में थाना प्रभारी के घर में सांप घुसने से हड़कंप मच गया। 5 फीट लंबा सांप देखकर घर के सदस्य घबरा गए। स्नेक कैचर ने सांप का रेस्क्यू भी किया है। बारिश से बचने के लिए सांप खुले मैदान से कमरे में घुसा था। स्नेक कैचर ने सांप को डिब्बे में बंद करके जंगल में छोड़ दिया है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। सीएम साय का दिल्ली दौरा,